Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 24, that is mathematical induction for divisibility. अच्छा, mathematical induction हम एक कर चुके हैं lecture 22 में. उसमें हमने addition के लिए और subtraction के लिए mathematical induction का method use किया था. यहाँ पर अब हम mathematical induction से prove करेंगे divisibility की properties को, उसके अलावा inequalities को और कुछ sequences भी हम prove करेंगे इसमें, ठीक है. अच्छा, डिविजिबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक तो ये याद रखना होगा, थोड़ी सी इसको प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं. दैट एन बी एन डी बी इंटीजर्स, दैट एन डी इज़ नॉट इक्वल टू के, देन एन इज़ डिविजिबल बाय डी, और डी डिवाइड्स एन एज डी डिवाइड्स एन इफ एन इज इक्वल टू डी इंटू के फॉर सम इंटीजर के. सिंपल मतलब ये है कि डी डिवाइड्स एन, डी जो है वो एन को डिवाइड करता है कब, इफ़ एन इज इक्वल टू डी इंटू के. मतलब एन एक नंबर है, ठीक है. एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ 2 divide 6, ठीक है. तो क्या होगा मेरे पास, n क्या है, 6 है. 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3, ठीक है. तो ये 6 मेरे पास क्या है, n है, ठीक है. 2 मेरे पास मेरा d है, ठीक है. और 3 क्या है, ये k है, ठीक. तो जब भी हमारे पास आएगा d divides n, डी डिवाइड्स एन की कोई भी बात होगी, इट मीन्स के एन में ऐसा एन इज इक्वल्स टू दैट नंबर, दैट डिवाइजर, ठीक है, एन इनटू सम कांस्टेंट के, ठीक हो गया. मतलब 6 इज इक्वल्स टू 2 into 3, 2 divide 6, इसको इस तरह से लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है. अच्छा, अल्टरनेटिवली वी से दैट एन इज़ अ मल्टीपल ऑफ डी. हम ये भी कहते हैं कि एन जो है वो डी का मल्टीपल है, ठीक है. डी इज़ अ डिवाइजर ऑफ एन, डी जो है वो एन का डिवाइजर है. अच्छा, डी इज़ अ फैक्टर ऑफ एन, और डी जो है वो एन का फैक्टर भी है. थस डी डिवाइड्स एन इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट एन इज इक्वल टू डी इंटू के, ठीक है. तो डी डिवाइड्स एन क्या इम्प्लाई करता है, कि एक इंटीजर के एग्जिस्ट करता है. कैसे, एन इज इक्वल टू डी इंटू के, एन जो है वो इक्वल होगा डी को, अगर हम किसी भी इंटीजर के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन हमारे पास आ जाएगा. इतना क्लियर हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं. अब इंडक्शन में इसके मेथड और जो हमने पिछले किए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इनके मेथड्स थोड़े से चेंज होंगे, ठीक है. उसके इंडक्शन और इसके इंडक्शन के मेथड में थोड़ा फ़र्क है और उसको आपने देखना है. क्वेश्चन है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज़ डिविजिबल बाई 3 व्हेन एवर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. मतलब एन माइनस एन 3 इज़ डिविजिबल बाई 3 का क्या मतलब हुआ, कि 3 डिवाइड्स एन क्यूब माइनस एन, ठीक है. इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स एन क्यूब माइनस एन, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एन क्यूब माइनस एन is equals to 3 into some integer q, ठीक है. अच्छा, अब क्या करना है, बेसिस स्टेप में हमने क्या करना है, वन एवर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. मतलब पॉजिटिव इंटीजर हमने लेना है, तो स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, 1 से करना है. तो बेसिस स्टेप में क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू 1 होगा. अब जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे 1 हम पुट करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, आके 0, ठीक है. अब हमारे पास एन क्या है, 0 है. तो n हो गया, ये हमारे पास हो गया 0 इज इक्वल्स टू 3 इंटू q की जगह क्या आ जाएगा, 0. तो विच इज़ क्लियरली डिविजिबल, n क्यूब माइनस n से हमारे पास जो 0 आया है दैट इज़ क्लियरली डिविजिबल बाय 3, ठीक है. 3 उसको डिवाइड कर सकता है, सिंस 0 इज इक्वल्स टू 0 into 3, 3 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा. तो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई. ये आपने याद रखना है, बार बार बता रही हूँ. बेसिस स्टेप में अगर फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू नहीं करेंगे. अगर बेसिस स्टेप पहले हमने उसको ट्रू देखना है कि वो ट्रू है, उसके बाद इंडक्टिव स्टेप की तरफ जाना है. इंडक्टिव स्टेप में हमने क्या करना है, सपोज करना है कि द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के. जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे हमने के पुट कर देना और सपोज करना है कि दैट इज़ ट्रू, के क्यूब माइनस के इज़ डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स. देन क्या हो गया हमारे पास, देखें वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एन क्यूब माइनस माइनस एन बड़ा होगा, हाँ
एन क्यूब माइनस एन इज इक्व टू 3 क्यू, तो जहाँ जहाँ पे एन था वहाँ पे क्या लिख लिया, के लिख लिया, के क्यूब माइनस के इज इक्व टू 3 क्यू फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू जेड। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जहाँ जहाँ पे एन है यहाँ यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, यहाँ यहाँ पे हमने के प्लस वन लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने प्रूफ करने के k प्लस वन क्यूब माइनस के प्लस वन इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, k प्लस वन क्यूब माइनस k प्लस वन इज इक्वल्स टू 3 क्यू, ये हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने करना है k प्लस वन क्यूब माइनस के प्लस वन, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है, ठीक है। और इसको ओपन करना है और इसको मैनिपुलेट ऐसे करना है कि हमने ये वाली जो फॉर्म है ना 3 क्यू की फॉर्म, ये लेकर आनी है, ठीक है। अच्छा, पहले तो k प्लस वन क्यूब फार्मूला है, उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये k क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 1 माइनस के प्लस वन। इसको ओपन करेंगे, सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने प्लस के और माइनस के ऐड कर दिए, ठीक है, कुछ मैनिपुलेशंस करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे 3 तो है लेकिन यहाँ पे ये जो है 2 के है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने 3 बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, प्लस माइनस के प्लस के हम कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा k क्यूब अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम प्लस के और माइनस के को ऐड कर देते हैं कुछ मैनिपुलेशंस करने के लिए। अब मैनिपुलेशंस करने के लिए जो माइनस के हमने ऐड किया उसको हम यहाँ पे k क्यूब के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये वाला फॉर्म हमारे पास आ जाए, k क्यूब माइनस k की फॉर्म आ जाए, ठीक है। k क्यूब माइनस k की फॉर्म हम ले आए हैं, बाकी प्लस के हमने दूसरी साइड पे लिख लिए। अब हम इसकी जगह इसकी राइट हैंड साइड पुट कर देते हैं, ठीक है। 3 इंटू क्यू और यहाँ पे प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस के आ गया, तो ये हो गया 3 के स्क्वायर प्लस 3 के, ठीक है। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे भी हमारे पास k क्यूब माइनस k की जगह क्या आ गया, 3 क्यू आ गया, ठीक है। आप देखें दोनों में 3 कॉमन है, तो हम 3 को ऑन द होल कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू प्लस 3 इंटू क्यू प्लस के स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो ये फुल जो ब्रैकेट है दैट इज़ इक्वल्स टू क्यू, और हैंस हमारे पास फॉर्म क्या आ गई, 3 इंटू क्यू की फॉर्म हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना था, तो ये हो गया के प्लस वन क्यूब माइनस के प्लस वन इज़ डिविजिबल बाई 3, क्योंकि हमारे पास ये सारा का सारा जो इक्वेशन हम लेकर आए हैं दैट इज़ ऑन द होल मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो सकती है, मीन्स के ये k प्लस वन वाली इक्वेशन जो है ये डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं ठीक है, मैं आपको फॉर्म करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव फॉर ऑल इंटीजर्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 2n, 2 power 2n minus 1 is divisible by 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, 2 power 2n minus 1 is divisible by 3, 2 power 2n minus 1 is equals to is divisible by 3, it means 3 into q, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये क्या कहा हुआ है, ये हमें लीस्ट वैल्यू दी हुई है, बेसिस में हमें पता है हमें लीस्ट वैल्यू पुट करनी होती है, तो बेसिस स्टेप में हम लीस्ट वैल्यू पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा 2 power 2 into 1 minus 1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 minus 1 is equals to 3 एंड 3 is divisible by 3। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 is equals to 3 into 1, ठीक है, डिविजिबल हो गया, तो इट मीन्स के बेसिस स्टेप प्रूफ हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप की तरफ चलते हैं, पहले तो हमने पी ऑफ के को सपोज करना है 2 into 2 power 2k minus 1 is divisible by 3, ये हमने सपोज कर लिया, देखें इसको हमने लिख लिया 2 power 2k minus 1 is equals to 3 into 2। अब हमने प्रूफ करना है कि 2 into 2k plus 1 माइनस वन इज़
इक्वल्स टू थ्री इंटू क्यू। अब हमने ये प्रूव करना, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, हमने टू पावर टू के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल्स टू टू के, पहले तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है टू पावर पावर। अब हमने इस वाली इक्वेशन को ओपन करके इस तरह से सॉल्व करना है कि हमने ये वाली फॉर्म लेकर आनी है, थ्री इंटू क्यू वाली फॉर्म लेकर आनी है, ठीक है। डिविजिबिलिटी में आपने याद रखना है कि अपने इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, बीच में कहीं जाके हमारे पास इक्वेशन वन थोड़ा सा यूज होगा, सही। अच्छा, क्या करना है, हमने टू पावर टू के प्लस टू के प्लस टू माइनस वन इसको हमने ओपन कर लिया, ठीक है। टू को टू के की पावर पे दे दी मल्टीप्लाई बाई टू पावर टू माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे पावर ओपन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, टू हो गया टू पावर टू के इंटू फोर माइनस वन। अब हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी कॉमन सेंस हमें थोड़ी मैनिपुलेशंस करनी होगी ताकि हमें ये वाली फॉर्म मिल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर को हम ओपन कर देंगे, इसको हम कर देंगे थ्री प्लस वन कर देंगे, ठीक है। और अब हम टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू के इंटू थ्री, टू पावर टू के इंटू थ्री हो जाएगा प्लस टू पावर टू के आ जाएगा, और ये माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन, अब ये हमारे पास फुल इक्वेशन आ गया, सही हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने वो वाली फॉर्म एक निकाल लेनी है, हमें ये वाली फॉर्म लानी है। इक्वेशन में सॉल्व करते हुए कहीं पे हमने इक्वेशन वन वाली ये टू के टू पावर टू के माइनस वन वाली फॉर्म लानी की, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ये थ्री इंटू क्यू वाली जो राइट हैंड साइड है इसकी जो हमें प्रूफ करनी है उसको हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टू पावर टू के माइनस वन, यहाँ पे हमने पुट कर दिया थ्री इंटू क्यू, ठीक, थ्री इंटू क्यू पुट कर दिया। आप देखें दोनों में थ्री कॉमन है, तो थ्री को कॉमन लेके हो जाएगा टू पावर टू के प्लस क्यू, एंड हेंस टू पावर टू के प्लस टू पावर टू इंटू के प्लस वन माइनस वन इज डिविजिबल बाई थ्री बाई मैथमेटिकल रिलेशन, टू पावर टू एंड माइनस वन इज डिविजिबल बाई थ्री। अच्छा, आप आगे चलते हैं, थोड़ी सी एक एग्जांपल करते हैं इनइक्वालिटीज़ की। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ में आपने एक दो बातें याद रखनी है कि अगर हम इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है टू इज़ ग्रेटर देन थ्री, अगर मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये हो गया माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक है। तो टू इज़ लेस देन थ्री, ठीक है। अब मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी जो इक्वालिटी का साइन है ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, इसके अलावा आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर हमारे पास है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, तो अगर हम बड़ी साइड में कोई वैल्यू प्लस करते जाएंगे, एक्स प्लस टू भी ग्रेटर देन वाई रहेगा, और अगर हम कहें कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई माइनस टू, ठीक है, तो भी ये जो इक्वालिटी है ये सही रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बड़ी साइड पे वैल्यू जो है ऐड करते जाएंगे या आप छोटी साइड से वैल्यू माइनस करते जाएंगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है उसकी वैलिडिटी वैसी ही रहेगी, उसकी वैलिडिटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें प्रूव करना है कि फॉर ऑल इंटीजर्स एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, टू एन प्लस वन इज लेस देन टू पावर एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू लीस्ट हमारे पास क्या थ्री है, तो बेसिस स्टेप में हमने एन इज इक्वल टू थ्री लेनी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया सेवन आया, राइट हैंड साइड को प्रूव किया एट आया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ गया सेवन और राइट हैंड साइड पर क्या आ गया एट आ गया, इट मीन्स इनइक्वालिटी वैलिड है। अब क्या करना है, हमने इसको स्टेटमेंट को के लिए लिखना है, तो ये हो जाएगा टू के प्लस वन इज लेस देन टू पावर के, ठीक है, इक्वेशन वन हो गई फॉर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब हमने क्या करना है, एन इज इक्वल टू के प्लस वन को हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, के प्लस वन लिख लेंगे, टू पावर के प्लस टू मल्टीप्लाई बाई के प्लस वन इज लेस देन टू पावर के प्लस वन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उससे हमें उसकी राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, ठीक है।
अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टू इंटू टू, टू इंटू के प्लस वन प्लस वन, ठीक है, टू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा टू के प्लस टू प्लस वन। अब टू के प्लस वन ये हमने देखा है, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए टू के प्लस वन यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन वन में मौजूद होंगे टू के प्लस वन। तो इसकी जगह हम ये पूरी की पूरी जो साइड है राइट हैंड साइड अलॉन्ग विद द इनइक्वालिटी साइन, क्योंकि हमारे पास इक्वल है ना और वहाँ पे इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी से हम एक्सचेंज कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए इसको टू के प्लस वन को हम इनइक्वालिटी से एक्सचेंज करेंगे, इस लेस देन टू पावर के, ठीक है, प्लस टू आ गया हमारे पास। अब क्या किया हमने, टू पावर के प्लस टू के, ठीक है, तो नहीं यहाँ पे है टू पावर के, एक तो यहाँ पे मिस्टेक्स पे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, टू पावर के प्लस टू हो जाएगा तो दोनों सेम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय टू पावर के, और ये दोनों देखिए बेसिस सेम है तो हम इस टू को इधर पावर में प्लस वन करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू टू पावर के प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गया, ये पावर है सारी, ये पावर में है, ठीक है, तो टू इंटू के प्लस वन इज लेस देन टू पावर के प्लस वन, हमारे पास ये जो पोजिशन की जो फॉर्मूला था वो प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वाला भी करना है और उसमें कोई चेंज नहीं है, अगर नहीं है समझ तो फिर प्रूफ लीजिएगा मैं बताऊँगी। अच्छा अब करना है सीक्वेंस को प्रूफ करना है। अब सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस का आपको पता है इसको दो मेथड से डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास रिकर्सिव मेथड होता है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है इसमें कि जो रिकर्सिव मेथड से बताया गया और जो फार्मूला है ये दोनों जो है ये एक ही सीक्वेंस को बताते हैं, ठीक है। हमने इसमें ये प्रूफ करना है, एक सीक्वेंस हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, ए वन इज इक्वल टू ए टू एंड ए के इज इक्वल टू फाइव, ए के माइनस वन फॉर ऑल इंटीजर्स, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमने मैथमेटिक इंडक्शन को से शो करना है कि ए एन इज इक्वल टू टू इंटू फाइव एन माइनस वन जो है ये भी ट्रू है, मतलब ये दोनों एक ही सीक्वेंस के लिए डिफाइन हो गए हैं। मेथड थोड़ा सा चेंज है बट इसको थोड़ा गौर से देखिए तो मुश्किल नहीं। अच्छा हमारे पास बेसिस क्या है, ऊपर वाले के लिए हमारे पास बेसिस के इज ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है, लेकिन जो फार्मूला है हमने फार्मूला का देखना है, ठीक है, फार्मूला से हमने देखना है कि जो ए वन है वो टू है सीक्वेंस के साथ मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है, उसके रिकर्सिव के साथ मिलता है या नहीं मिलता। तो फार्मूला में हम क्या करते हैं, एन को वन पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया टू, ठीक है, इट मीन्स ए वन इज इक्वल टू टू। और जो हमारे पास रिकर्सिव मेथड था उसमें भी ए वन इज इक्वल टू टू है, इट मीन्स के जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो वैलिड है, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, सपोज द फार्मूला इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज ए के इज इक्वल टू टू इंटू फाइव के माइनस वन फॉर सम इंटीजर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है। अब हमने सपोज किया है कि ये जो फार्मूला है ये k के लिए ट्रू है, अब हमने क्या शो करना है कि ये k प्लस वन के लिए भी ट्रू है, ठीक है, a हो गया एन की जगह के प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू फाइव के प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव के, टू इंटू फाइव के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने जो ए के प्लस वन है, ठीक है, उसको लेना है जो फार्मूला का ए लेफ्ट हैंड साइड है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है रिकर्जन वाले फार्मूला, जो रिकर्जन वाले फार्मूला की राइट हैंड साइड है फाइव के के माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे हमने के प्लस वन को पुट कर देना है, और अब हमने इस वाली राइट हैंड साइड को इक्वल करना है इस, ठीक है, इससे इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू ए के प्लस वन माइनस वन, ठीक है, के की जगह हमने के प्लस वन लिख लिया और माइनस वन जो है वो ऑलरेडी का रखा वो आ गया। अच्छा अब ये प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया तो ये आ गया फाइव इंटू ए के। अब ए के का हमें पता है कि ए के इज इक्वल्स टू टू इंटू फाइव पावर के माइनस वन, ठीक है, तो ये हो गया टू इंटू फाइव पावर के माइनस वन। अब हम क्या करते हैं, हम टू को बाहर ले जाते हैं, फाइव वन क्योंकि मल्टीप्लाई है कम्यूटेटिव है, अगर हम उनको इसकी जगह एक्सचेंज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है,
हम टू को बाय ले जाते हैं, फाइव फाइव कर ले जाते हैं, फिर जाते हैं फाइव इंटू फाइव के माइनस वन। अब देखें बेसिस सेम है तो ये फाइव जो है पावर में प्लस वन हो सकता है, ठीक है। तो ये टू इंटू फाइव के प्लस वन माइनस वन, और ये दोनों अगर कैंसिल हो जाए तो ये हो गया टू इंटू फाइव के। इट मीन्स कि हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन के प्लस वन की राइट हैंड साइड जो है वो आ गई। तो हमें यही रिक्वायर्ड था। इट मीन्स कि जो रिकर्सिव फार्मूला था और जो रिकर्सिव मेथड था और जो फार्मूला था वो दोनों जो है वो एक ही सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपने याद रखना है डिविजिबिलिटी और सीक्वेंस और जो इनइक्वालिटीज़ के लिए मेथड्स तो डिफरेंट हैं, और आपने स्टेप्स याद रखने के कि इसके लिए आपने क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है। ओके, होप आपको वीडियो समझ आएगी। सो लेक्चर थोड़ा लेंथ हो गया, बट हर एक चीज़ को समझाना ज़रूरी था, और इसमें हर एक का मेथड डिफरेंट था। सो होप आपको समझ आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।